नीचे सप्लाई होती है पूरा जी 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 है माल हाँ जी उधर से गली बनी है रास्ता इधर से है। अच्छा लहन वन है उधर निकलवा जाए पिछले कई दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि नेपाल सीमा पर एक गांव है बलई गांव, जहां पर अवैध रूप से शराब, नेपाली शराब और अवैध शराब बनाई जा रही है और बिक्री की जा रही है उसकी। तो हमने पुलिस कप्तान महोदय से जो है फोर्स लेके आज जो है वहाँ पर दमिश्की कार्रवाई की और वहाँ से भारी मात्रा में लहन, लगभग हजारों लीटर लहन बरामद हुआ, सैकड़ों लीटर अवैध शराब और नेपाली शराब, देसी अंग्रेजी बियर, अवैध नेपाली शराब भी बरामद हुई और लगभग 12 से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब हम लोग पूरा लिखापढ़ी करके वहाँ से चल दिए तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, थारू जनजाति के लोग हैं, वो लोग यही व्यवसाय करते हैं, उन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया जिससे हमारी गाड़ियों के शीशे चटक गए और इसके अलावा एक आध हमारे कॉन्स्टेबल्स और दरोगा जी को चोट भी लगी है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और उसके बाद पुनः हमने फोर्स, एक्स्ट्रा अतिरिक्त फोर्स लेकर के फिर दोबारा वहाँ कार्रवाई की जिससे वहाँ पर सब लोग भाग गए, वहाँ कोई गिरफ्तार नहीं किया गया वहाँ से। अभी तक लगभग 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें पूछताछ की जा रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बलई गांव है जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। विभिन्न स्रोतों से कई दिनों से ये जानकारी आबकारी विभाग को भी और पुलिस विभाग को ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि वहाँ अवैध शराब बनाने का धंधा काफ़ी जोरों से चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा उस गांव में छापेमारी की गई और उसमें लगभग 150 लीटर कच्ची शराब मिली है और 1000 क्विंटल लहन नष्ट की गई है। इसके अलावा नेपाली शराब की 510 शीशियाँ भी बरामद हुई हैं और इसमें 60-63 एक्साइज एक्ट और 272 IPC का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे,
जब ये टीम इन लोगों को गिरफ्तार करके और बरामदगी और करने के बाद वापस आ रही थी, कुछ महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने पीछे से गाड़ियों पे पथराव किया, जिसमें तीन चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, उनके शीशे टूटे हैं। एक शीशा टूटने से एक दरोगा जी के हाथ में हल्की सी चोट आई है, और उसके बाद पुलिस ने इसका भी मुकदमा कायम किया है। 147, 148, 149, 332, 353, 336, 323, 504, 506, 427 IPC और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी नौ लोग गिरफ्तार हैं। और इसके साथ ही जो 60 एक्साइज के एक्ट में 7 लोग, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, बलेगांव पहले से ही काफ़ी कुख्यात रहा है, तो संयुक्त टीम के द्वारा इस पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। और जिन लोगों ने इसमें पथराव किया है उनके खिलाफ भी सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो भी इस घटना में और शामिल हैं, वीडियो के आधार पर उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सीमा के जो और गांव हैं वहां भी इस तरीके की जो है कुछ कार्रवाई अग्रिम की जाएगी, क्योंकि सीमा के तमाम गांवों में जो है अवैध शराब का निर्माण हो रहा है? जी, अवैध शराब का निर्माण रोकने की प्राथमिकता है, और जहां भी इस तरह के बड़े स्केल पर सूचना प्राप्त होती है हम संयुक्त कार्रवाई करेंगे और उन पर कार्रवाई अच्छी